देखिए आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, कुछ दो लिखे हुए हैं हमारे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप देखते ही आंसर कर सकते हैं, मतलब कि आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। लेकिन एक तो ये बात हो सकती है कि आप देखते ही कर सकते हैं, दूसरा एक ये हो सकता है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें देन उसके बाद में सॉल्व करें, मतलब कि अगर शॉर्ट ट्रिक भी कहीं से आई है तो आपको रीजन मालूम हो कि कहाँ से आया, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। या हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बगैर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हम जो है एग्जाम्स को बीट नहीं कर सकते, और साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी आनी चाहिए। तो हम पहले कोशिश कर रहे हैं जो भी छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर यूज होंगी, या हमारे पास में जो दूसरे तरीके हैं जिस तरीके से हम कर सकते हैं वो भी हम लोग सीख लेंगे। तो हम पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, बट एट द एंड हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, ठीक है? चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे छोटी सी बात कि अगर कोई नंबर कभी लिखा हुआ है, यहां पर लिख दिया मैंने 30 और दूसरी साइड में मैंने लिख दिया 40, मुझसे इसका मल्टीप्लाई पूछा जाए तो मैं कहूंगा 3 × 4 कितना होता है, तो आप बोलोगे 12 होता है। तो बेसिकली मुझे क्या, जब भी जीरो लगे होंगे, और जीरो कहां लगे होंगे, लास्ट में लगे होंगे, बीच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, काम की बात कर रहा हूं लास्ट की। तो आप सिर्फ नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 × 12 3 × 4 = 12, तो आपने 12 लिख दिया, और ये 2 बार 0 लिखा था तो आपने यहां पर 2 बार 0 लिख दिया, तो 1200 इसका आंसर हो गया। ये बहुत छोटी सी चीज थी। फिर उसके बाद में जैसे मुझको 600 का मल्टीप्लाई करना है 120, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से बोल पाएंगे 12 × 72 होता है, और आपको मालूम है 2 0 आपने यहां देखे, 1 0 यहां देखा, तो आपने बोला कि ये 3 0 हो जाएंगे, 7200 हो जाएगा, ठीक, बहुत आसान। फिर उसके बाद में इससे भी एक आसान चीज ये होती है कि अगर आपको 1000 में मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर का, 78 का करना है, तो आप क्या बोलोगे, × 78 × 1, और ये कितने, 3 0, तो आपने 3 0 लगा दिए। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें होती है इसके अंदर, इसको हम यूज कर रहे होंगे, एक बात होगी। तो ये बेसिक था कुछ छोटा छोटा। फिर उसके बाद में अब ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनके लास्ट में क्या है, जीरो नहीं है, लेकिन मुझे जीरो बनाना, हमारे पास में एक बेस हो गया, तो हम इससे जीरो बना पाएंगे, तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो जैसे कि कोई इस तरह से क्वेश्चन हो गया 99 × 45, ठीक है, अब 99 × 45 करना है, तो यार थोड़ा सा मुझे एक तो 45 का टेबल नहीं आता है, तो यहां पर ये बड़ी प्रॉब्लम है, और ना ही 99 का आता है, तो क्या करें जल्दी से हो जाए। तो एक कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इस 99 को हम लिख सकते हैं 100 − 1, ठीक, देन उसके बाद में हम करेंगे यहां पर लिखेंगे 45, ठीक। तो जब आप 100 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 45 का, तो ये तो हो जाएगा 4500, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको सिखाया, ठीक, और माइनस का ये क्या हो गया 45, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें से माइनस कर रहे होंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4500 − 45 जाएगा, तो बचेगा कितना, 44। और अभी आप देख रहे हो यहां पर आपने 44 लिखा है, तो बेसिकली अभी आपका 100 हटा हुआ है, तो 100 में से ये 45 जब जाएगा तो कितना बचने वाला है, 55, तो 44 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत छोटी सी बात थी। अब मैं चाहता ये हूं कि आपको ये सारे स्टेप्स ना करने पड़े इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं देखते हैं। यहां पर एक बात समझिएगा, अगर कोई भी नंबर है और उसके लास्ट में क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, अगर 2 0 आ रहे हैं, तो नंबर एक बात, ये जो नंबर है हमेशा जो यहां पर 2 डिजिट्स आने वाले होंगे फर्स्ट या जो भी है, वो क्या आने वाले होंगे, एक नंबर कम। अगर यहां पर 45 है तो यहां पर कितना आएगा, 44 आएगा, ठीक है, एक बात होगी। और बाकी का जो आपने एक कम लिखा है, तो बेसिकली जो इसमें से एक कम किया है वो एक नहीं है, वो क्या है, हकीकत में 100 है, तो उस 100 में से आपने 45 कम किया, कितना आ गया, 55 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं, तो 45 तो आपको कमी करना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर ये लिखा हुआ है जो 45, क्योंकि आपको मालूम है कि हम 100 × 45 करेंगे तो 4500 हो जाएगा, और उसमें से फिर मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा, जैसे मैं कुछ भी माइनस करूंगा तो जो भी नंबर होगा उससे जस्ट एक कम हो जाएगा, तो हमने 45 से एक कम कर दिया, कितना हो गया, 44, एक बात हो गई। फिर मेरे समझ में ये भी आता है कि जो 45 आएगा माइनस के 1 में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 45 का, तो 45 हो जाता है, तो 45 को हम माइनस करेंगे 100 में से, तो कितना आने वाला है, 55 आने वाला है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 55।
आई थिंक अभी आपके थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन हम फिर से कोशिश करते हैं समझाने की आपको कि आपका इस तरीके का मल्टीप्लाई मिले जहां पर भी, कि यहां पर 99 हो, 999 हो, जितने भी टाइम लाइन हो, ठीक है। तो यहां किस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो ये 45 है, तो 45 से जस्ट एक कम लिखना है, कितना गया 44 आ गया। अगर यहां पर 55 होता तो आपको 54 लिखना होता, अगर यहां पर 47 होता तो आपको 46 लिखना होता, मतलब कि 47 होता तो 46 लिखना होता, 35 लिखा होता तो 34 लिखना होता, अगर आपका 31 लिखा था तो आपको 30 लिखना होता, कुछ इस तरीके से ऐसा लिखेंगे। देन उसके बाद में ये जो 45 है इसको आप अगर यहां पर दो बार लिखा है ना, तो इसका मतलब ये 100 के पास का नंबर है, 100 में से आप 45 को घटाएंगे कितना बच जाएगा 55, ठीक है। एक बार 100 में से घटाया आपने 45 कितना गया 55, अगर यहां पर लिखा होता आपका 41 तो 100 में से आप 41 को घटाते तो कितना आ जाता 59 आ जाता आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजें कर पा रहे होंगे, ठीक। चलो हम एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे लिखा है 99 × 64, तो देखो कितना आसान आंसर है, ये जो भी नंबर लिखा है इसे जस्ट एक नंबर कम कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा ये 63 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में 100 में से इस 64 को घटा देंगे आप तो कितना बचने वाला है 36, तो 63 36 आपका आंसर हो गया इसका। आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, आपको देखते ही आपने आंसर दे दिया एक बार। देन इसके बाद में आपने लिखा 99 × 13, तो 13 से एक नंबर कम क्या होता है 12, और अब ये 13 100 में से जाएगा तो बचेगा कितना 87 बचेगा, ये आपका आंसर हो गया। तो आप बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी पर, लगभग कुछ छोटा सा। जैसे कि आपका नंबर लिखा है 999 और यहां पर है ये 84 माइनस हो रहा है, तो अगर ये 999 लिखा है तो आपको मालूम बस इससे एक कम, मतलब यहां पर 9 वाला है, 9 से तो कोई मतलब नहीं फिलहाल अभी, बस इससे एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 83 आ जाएगा। और दूसरा यहां पर 3 × 9 लिखा, तो बेसिकली अगर हम नंबर बना रहे होंगे 0 वाला तो 1000 बनेगा, तो अब हमको जो माइनस करना होगा वो किसमें से करना होगा 1000 में से करना होगा, 1000 में से जो 84 जाएगा हमारा तो बचेगा कितना, 1000 में से 84 जाएगा तो बचेगा 916, ठीक है। तो ये हो गया 83 916 का आंसर। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे बहुत आसानी से, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस साइड में 2 डिजिट्स हो, यहां पर 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि हमसे बोला जाए कि इसका आंसर क्या होता है, ये 3 डिजिट होगा, तो हम बोलते हैं कि भाई साहब 9 वाले में से तो कुछ करना ही नहीं होता है, इससे बस एक कम करते हैं, तो हम बोलेंगे कितना कम करते हैं तो एक कम कर देते हैं, तो 983 हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर क्या करते हैं, हमने कहा जितने 9 लिखे होते हैं उसके पास वाला जो 0 वाला नंबर होता है उसको देखते हैं, तो कितने 0 वाला नंबर हमारे पास में 1000, तो 1000 में से 984 जाएगा तो बचना कितना है, यहां पर 16 बचना है, तो आप 16 को जो लिखेंगे वो 3 डिजिट्स में लिखेंगे, 2 डिजिट्स में नहीं लिखेंगे। तो जितने डिजिट्स यहां पर हैं 3 डिजिट्स में, यहां पर 39 है तो यहां पर 3 डिजिट्स में लिखना है, अगर 2 × 9 होता तो आपको 2 डिजिट में लिखना होता, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं आई थिंक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब हम चलते हैं कुछ फ्रैक्शंस की साइड, ठीक। अगर मैं अभी आपको एक छोटा सा फ्रैक्शन दूं कि 9 4 5 6 − 45 whole 13/12, ठीक, कि इसका आंसर क्या होगा, आंखें इधर देख रखेंगे आप लोग बोर्ड पर, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना। तो मैं चाहता ये हूं कि आप देखते ही इसका आंसर करते हैं, कि एकदम देखा और आपने आंसर कर दिया, तो इसको ऐसा करने के लिए थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा, लेकिन हम कर लेंगे। हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इन्हीं कॉन्सेप्ट की बदौलत ही बड़े क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हम चाहे कि एकदम बड़ा कॉन्सेप्ट तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखा सकता हूं जो कि आप बड़ी जल्दी भूल जाएंगे, ठीक। आ जाइए, आते क्या हुआ, अगर मुझसे बोला जाए कि 1 में से आपको 3/8 को माइनस करना है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, एक तो एलसीएम वाला तरीका होता है कि हम एलसीएम से माइनस कर लें, ठीक। लेकिन हमारे पास में एक दूसरा और तरीका है कि हम कहेंगे ये नंबर, देखिए ध्यान रखना यहां पर क्या है 1 और यहां पर क्या है 3/8, तो हम बोलेंगे कोई चीज 8 थी पहले, उसमें से अब ये माइनस हो रहा है तो 3 माइनस हो गया, तो कितना बचा, तो आप बोलोगे 5 बचा है, और नीचे कितना रहेगा 8, एक बात होगी। लेकिन दूसरी बात मैं बोलूं यही चीज, 1 में से मैंने बोला 43
बाई 49 को माइनस करते हैं। तो आप ये बोलोगे कि कोई चीज 49 थी उसमें से 43 चली गई, तो बचा कितना आपका 6 बटे में 49, आप ये बोल रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आगे बोलूंगा आपसे वन में से सॉरी 496 यहां पर लिखते हैं, इसमें से ये जब माइनस होगा तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 996 से 496 जाएगा, तो ऊपर बचने वाला बचेगा कितना 500 और नीचे कितना आ जाएगा 996। तो आपके कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा है, ठीक। तो आपने बेसिक चीज सीखी आप, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, तो मेरी समझ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी यहां तक हमारी। अब हम दूसरी बात करते हैं यहां पर कि सपोज अगर कुछ इस तरीके से होता 6 - 3/4, ठीक, तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती कि यार अभी तक तो बहुत आसान था। आसान क्या था कि यहां पर 1 होता था तो हम कर लेते थे, लेकिन अब तो यहां पर 6 आ गया तो करें क्या। तो हमने क्या कि परेशान मत हो, यहां पर तो हम 1 बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, क्योंकि हमने इसको लिखा 5 + का 1, तो 1 चाहिए था, 1 तो बन गया, और माइनस का 3/4 हम इजीली लिख देंगे, ठीक। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहले मैं आपको बस एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूं कि अगर कहीं पर लिखा है 5 + का 2/3, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 होल 2/3। कहीं पर लिखा है 11 होल + का 3/8, तो आप इसको डायरेक्टली यूं लिख सकते हैं कि 11 पूरा है 3/8। ये छोटी छोटी चीजें आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट 11 आना चाहिए यहाँ पर, 3/8 हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें, देन हम यहां की बात करेंगे। अगर तो आप ऐसे बोलोगे भाई इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे 4 - 3 का कितना बचा 1/4, ठीक है। देन उसके बाद में कहोगे 5 तो पूरा है, तो आपने बस इसके सामने क्या लगाना है 5 से 1/4 आंसर हो गया, ठीक है, जल्दी से कर पा रहे हैं हम लोग। देन उसके बाद में हम ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं आगे कि हमसे बोला जाए 11 - 83/89, आंसर क्या होगा। तो मैं कहूंगा कि भाई इसको 10 बना लो, 10 + 1 - 83/89 कर लिया। तो आप बोल रहे होगे कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि 6/89, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहां पर कि देखिए कि 89 में से जब 83 जाएगा तो बचना कितने वाला है 6, और यहां पर हमने लिख दिया 89, और यहां पर ये पूरा 10 बचा रह जाएगा, तो आपका जो 10 बचा रह जाएगा वो आप यहां पर लगा दो, ठीक। अब मैं ये चाहता नहीं हूं कि ये आपको प्रोसेस बार बार करनी पड़े, मैं चाहता हूं कि आप ये डायरेक्टली कर लें और एक आपको चीज एक फॉर्मेट याद हो जाए। तो उसके लिए आप कर क्या सकते हैं देखते हैं, ठीक है, कि देखिए आपको मालूम है कि इस नंबर में से तो एक नंबर कम होगा, तो जो नंबर कम होगा वही नंबर पूरा आने वाला है। तो अगर आपका यहां पर 6 लिखा है तो आप डायरेक्टली यहां पर लिख दीजिए 5, एक नंबर कम करके, ठीक, एक बात होगी, एक नंबर कम करके यहां पर लिख दिया आपने 5। दूसरी बात आपको बाकी की बात है कि यहां पर फ्रैक्शन कुछ लिखना होगा, तो वो कितना लिखना होगा, 4 - 3 जाएगा तो कितना जाएगा 1/4, ठीक, एक बात। इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। ये रहा 6 - 3/4 जाएगा, तो बेसिकली हमने इसको सोचा कि ये लिखा कितना है, तो मैंने इसको मान लिया 1 है, क्या मान लिया 1, तो अगर मैंने इसको पूरा 1 माना तो इसमें से 6 - 1 जाएगा तो बचने वाला कितना है 5, एक बात हो गई। लेकिन फिर मुझे याद ये आया कि भाई साहब जो मैंने 1 माना था वो मैंने कुछ ज्यादा मान लिया था, अब अगर मैंने ज्यादा मान लिया था तो मैंने कितना ज्यादा मान लिया था, जितना ज्यादा माना वो उतना मैं उसको जोड़ देता हूं। अब ये मुझको कैसे करके पता चलता है, तो मुझको ऐसे पता चलता है कि 4 - 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1/4। दूसरी बात यहां पर आते, तो ऐसे ही हम यहां पर सोचते हैं कि लिखा है 11 और यहां पर लिखा है 83/89, तो यहां ये बात हो गई कि हमने कहा कि भाई साहब ये किसके बराबर होगा, तो हमने कहा लगभग 1 के बराबर होगा, तो मुझे 1 तो माइनस करना पड़ेगा, तो हमने कहा 1 जो माइनस करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या आने वाला है, 10 आने वाला है, एक बात। फिर मैंने कहा कि यार मुझसे तो ज्यादा माइनस हो गया 1, वो तो 1 से कम था, तो 1 से कम कितना, तो हमने बोला कि 1 से कम कितना, तो भाई कितना ज्यादा माइनस हो गया है, तो हमको पता चला 83
9 में से मैंने 83 को माइनस किया कितना आ गया 6 बाई 89, ये हमारा आंसर हो जा रहा है। तो आप इस तरीके की चीजों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, एक बात हो गई। तो ऐसे ही अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि नंबर यहां पर छोटे थे, यहां पर नंबर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप अब बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, छोटी सी बात एक और मैं समझाने की आपको कोशिश, अगर आपसे बोला जाए कि 6 - 2 होल 2/3, ठीक, कि इसको कैसे करके सॉल्व करें, तो एक तो तरीका आपके पास में ये हो सकता है कि आपसे, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले सिखाया कि 6 में से इसको माइनस करो, तो मैं आपसे पूछूं ये लगभग कितना लिखा है, तो आप बोलोगे ये लगभग वैसा 3 के बराबर है। तो मैंने कहा कि भाई 6 में से 3 को माइनस कर दो, तो मेरा आंसर कितना बचेगा, 3 आ जाएगा। क्या बहुत अच्छी बात है, फिर मुझे याद ही आता है कि भाई वो 3 नहीं था, वो तो 3 से कम था, आपने ज्यादा माइनस कर दिया है। तो उसको सही करने का तरीका क्या होगा कि जितना ज्यादा माइनस कर दिया उतना फिर से जोड़ दो, तो हमें पता चलता है कि ज्यादा कितना माइनस हुआ है, ऐसे करके कि 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1/3, एक बात हो गई। तो हम आगे चलते हैं फिर ऐसे ही कि यहां पर लिखा है 99 में से माइनस करना है उसको 6 होल 5/11, ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा। तो मैं कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ कि 99 में से ये माइनस करना है हमको, तो हम बोलेंगे ये कितना लिखा है लगभग, तो मैं कहूंगा ये लगभग 7 के बराबर लिखा है, तो 7 के बराबर लिखा है, तो हमने कहा इसमें से 7 माइनस कर दो, तो 7 माइनस करेंगे तो डायरेक्टली कितना आंसर आने वाला है यहाँ पर 92, ठीक है। देन फिर याद आता है कि नहीं यार मैंने तो ज्यादा माइनस कर दिया, जो ज्यादा माइनस कर दिया है उसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 11 में से जब 5 जाएगा तो बचेगा कितना 6/11, तो आप ये छोटी छोटी चीजें सीख पा रहे हैं। ऐसे हम यहां पर आते हैं कि भाई इस नंबर में से इसको माइनस करना है, जब माइनस करना है तो हमने पूछा कि भाई ये लगभग कितना है, तो आपने बोला ये तो लगभग, जस्ट मिनट, यहां पर ये 30 ना कीजिए, आप अभी यहां पर 11 कर लीजिए, जिससे कि ये थोड़ा सा प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए, ठीक, 11। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये लगभग किसके बराबर, तो आप बोलोगे ये तो लगभग 46 के बराबर है, तो हमने कहा कि 46 को माइनस कर दो तो बचेगा कितना 94.10 बचेगा, जब इसमें से माइनस करेंगे 94.56 में से 46 माइनस करेंगे तो 94.10 बचेगा। देन उसके बाद में मैंने आपसे पूछा कि इतना तो बचेगा लेकिन मुझसे तो ज्यादा माइनस हो गया, जो ज्यादा माइनस हो गया वो इसमें फिर से जोड़ दो, ये कैसे करके पता चलता है कि 12 में से 11 आ जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो यहां पर आ जाएगा 1/12, ठीक है। तो आप देखो डायरेक्ट कर पाए इसको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था लेकिन आप जल्दी कर पा रहे हैं, ये किसकी बदौलत कर पा रहे हैं कि आपकी एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई है, हमने उस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को किया तब जाके आप कर पा रहे हैं। इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे, फिक्र ना करें आप, चलिए देखिए अब जो है हम इस तरीके के क्वेश्चन को करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, देन उसके बाद में चीजें हो पाएंगी। देखिए छोटी सी बात कि अगर मुझसे बोला जाए कि 100 में से आप माइनस कीजिए, किसको माइनस करें 9/13, तो आंसर कितना है, तो हम भाई बोलेंगे कि आंसर जो है इस तरीके से आएगा कि ये जो नंबर है, पहले छोटी सी बात को समझ लेते हैं कि देखो ये ऊपर वाला जो नंबर होता है ये अंश कहलाता है हिंदी में, और नीचे वाला जो नंबर है वो हर कहलाता है हिंदी में। इंग्लिश में ये न्यूमिनेटर कहलाता है ऊपर वाला नंबर, और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। दूसरी बात ये तो इन्हें छोटी सी टर्मिनोलॉजी बताई है आपको। दूसरी बात ये कि जब ये नंबर ऐसे करके लिखा है, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है, अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है तो नंबर 1 से छोटा होगा, और अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा है तो वो नंबर 1 से बड़ा होगा। आई बात समझ, कहने का मतलब अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो वो 1 से बड़ा होगा, और ऊपर वाला नंबर अगर छोटा है तो वो 1 से छोटा। तो आपसे अगर मैं छोटी सी बात पूछूं कि ये नंबर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तो आप आसानी से बता पाओगे ये 1 से छोटा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहां पर आते हैं हम लोग, ये लिखा है 100 और इसमें से मुझको इसको माइनस करना है, तो हमको ये बात पता चल गई ये नंबर 1 से छोटा है, तो जब 1 से छोटा है तो मैं बोलूं कि भाई कितना माइनस कर दूं, तो आपने बोला 1 माइनस कर दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है कर देते हैं, तो कितना बचेगा 9। फिर मुझे याद ही आता है कि भैया माइनस तो ज्यादा हो गया, जो चीज ज्यादा माइनस होगी उसे जोड़ना पड़ता है, ठीक है, तो हमने जोड़ दिया इसको,
कि भैया 13 में से 9 गया तो बचा कितना, 4, 4 बटे 13, इतना ज्यादा माइनस हुआ है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें करने की कोशिश करते हैं कि 100 में से अगर मुझे माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 19 बाई 45। ठीक है, तो अभी आपसे पूछा जाए भैया ये कितना माइनस कर दे, तो आपको कहे नंबर एक से छोटा तो लगभग एक माइनस कर दो, तो मैंने एक माइनस किया तो कितना आ गया 99। तो 45 में से जब 19 जाएगा तो बचने वाला कितना है हमारा, 20 जाता तो कितना बचता, 25 बचता, और एक ज्यादा माइनस करा तो 26 बचेगा, तो 26 बटे में 45। ठीक है, तो बेसिकली अब हमको जो जरूरत पड़ने वाली, अच्छा एक तो ये हो गया, एक बार मैं बता देता हूँ छोटी सी बात, यहाँ पर 99 माइनस 3 होल 4 बाई 5। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर भी आप इस बात को समझ सकते हो, ये 4 बाई 5 लिखा है, ये बेसिकली 1 से छोटा है नंबर, और यहाँ पर जो नंबर लिखा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में वो नंबर 1 से छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, चलो आते हैं पास, तो ये 99 माइनस ये कर रहा है, तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो नंबर लिखा है वो कितने के बराबर, तो आप कहोगे 3 तो पूरा है और उसमें कुछ अधूरा भी जुड़ा है, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये 4 माइनस करना है मुझे किसमें से, 99 में से, तो आप बोलोगे 95 बचेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर मैंने कहा यार 4 नहीं माइनस करना था, 4 से कुछ कम करना था, तो हमने कहा ये बताओ कितना कम करना था, तो हम बताते हैं कितना कम करना था, 5 में से 4 जाएगा बचेगा कितना 1, तो आप बोलोगे 1/5 कम करना था जो कि हमने इसमें छोड़ दिया, तो हम इस तरह से समझ पा रहे हैं। ठीक, फिर अब हमारी बात ये आती है कि बेसिकली हमको ऐसा दे रखा होगा, हमको काफी टाइम ऐसा बनाना होगा, ऐसा दे रखा होगा और हमको ऐसा बनाना, तो हमने क्या किया, ये 99 से ही 4/13 लिखा हुआ है तो हमने उल्टा गए इसमें। ठीक, यहां से हमको ऊपर पहुंचना है, तो हम कैसे करके पहुंचते हैं इस चीज को हम समझते हैं। बेसिकली मुझे यहां पर 100 बनाना है, इसको मुझे 100 में से माइनस करना है, किसमें से माइनस करना है, 100 में से। अगर मुझे 100 में से माइनस करना है तो यहां पर कितना आने वाला है, तो हमने देखा इसको हम कैसे करके लिख सकते हैं कि 100 में से जब माइनस करना है, तो हमने इसको तो लिख दिया 100। ठीक, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमने यहां पर तो लिख दिया 100, तो हमने कहा भाई साहब आपने जो 100 लिख दिया है, ये जो नंबर 100 है वो इससे ज्यादा है, तो जो जितना ज्यादा है उतना आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये कितना कम है भाई साहब, तो 13 में से 4 का कितना बचा, 9/13 बचा। इस चीज को छोटी सी, मैं समझ रहा हूं थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा होगा लेकिन आप आसानी से कर लेंगे, अभी मैं प्रैक्टिस कराता हूं आपको। ठीक, 100 में से 99 जाएगा तो बचेगा कितना, 100 में से 99 होल 14/13 जाएगा तो बचने वाला कितना है, तो मैंने यहां पर लिखा 100, और इसमें देखो जो चीज यहां पर आने वाली वो कैसे करके आएगी, 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 9, यहां पर लिख दिया 13। ऐसे हम यहां पर आते हैं कि ये चीज मुझको वापस लानी थी, तो हमने यहां पर तो लिखा 100 और मैंने इसको किस तरह से लिख दिया, 45 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, 19/45। ठीक, चलिए देखिए हम लोग यहां तक तो कर ही चुके हैं, अब हम देखो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पे ही आने वाले हैं, आने वाले पहुंचने वाले, बस छोटी सी बात को समझते हैं। क्या हुआ कि जो नंबर लिखा है इसको हम किस तरीके से लिखने वाले, कि 99 होल 43/48। अब मैं चाहता हूं इसको मैं 100 की रिस्पेक्ट में लिखूं, किसकी रिस्पेक्ट में लिखूं, 100 की रिस्पेक्ट, तो 100 की रिस्पेक्ट में देखो हम किस तरह से लिखेंगे, कि भाई 100 लिखा हमने और 100 में से अगर मुझे इस चीज को माइनस करना है तो कितना आएगा, तो मैं बोलूंगा ये भी कितना लिखा, तुम बोलोगे 100 लिखा है, तुमने कहा ठीक है, तो 100 से ये कितना कम लिखा है, उस चीज के लिए हमने बोला था कि हम ऐसे करते हैं कि कितना कम है, ये 5 कम है, तो आप बोलोगे 5/48। तो मतलब अगर ये चीज लिखी तो आपको 100 की रिस्पेक्ट में लिखना है, तो आप ऐसे लिखेंगे। यहां पर आते हैं, फिर से मैंने लिखा 99 होल 49/56, 56 57 57, तो आपको 100 के रिस्पेक्ट में लिखा, तो आपने लिखा 100। अब माइनस बेसिकली क्या है, ये 100 बड़ा है तो इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा तभी बात बनने वाली है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, आपने देखा ये 8 है तो 8 में से कितना माइनस करेंगे हम, 8 में से माइनस करेंगे, सॉरी 8 तो ये बचा, ये कितना आ गया 57, तो ये बात बन पा रही है आपकी। तो आप इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को कर पा रहे हैं मेरी समझ से। ठीक है, अगर आपकी ये बात समझ में आती है तो आप छोटी सी बात ये भी समझ में आई, जैसे कि ये लिखा है 45
डिवाइड बाय 43, यहाँ पर 42 कर दो इनटू 43, तो आप समझते हैं 43 से 43 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से कहीं पर लिखा हुआ है 64 अपॉन 39 इनटू 30। तो 13 से ये 39 कैंसिल हो जाता है, 13 थी 39 तो 64 ऊपर आ गया, नीचे कितना आ गया 3, कुछ ऐसे करके बन रहा होता है। तो बस अब आप पहुंच गए बिल्कुल क्वेश्चंस के पास में कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ था आपका, मैंने सॉल्व किया है, वो किस तरह से किया है कि ये 68 जो है, सॉरी 69 जो दिखा है लिखा आप देख रहे हैं, तो आपको जस्ट इससे एक कम लिखना है, कितना हो गया 68 हो गया। और यहाँ पर देखिए ये कितना कम है, इससे 1 कम है, एक कम है, तो आपने बस किसमें से एक कम करना है, 100 में से एक कम करना है, क्योंकि ये जो नंबर है वो 100 के पास का है, मतलब कि 99 को आप बनाते क्या है, 100 बनाते, तो 100 में से एक को कम करेंगे तो कितना बचेगा, 99 बचेगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन और लिखने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करते हैं इसी पर। 99 48 on 58 into 50 क्या आंसर होगा, तो आप बोलोगे इससे एक कम 57, और फिर आप बोलोगे ये कितना कम है, इससे 10 कम है, तो आप 10 कम कर दो, किसमें से 10 कम कर दोगे आप, 100 में से 10 कम करो, क्योंकि 100 के पास कम है, 100 में से 10 कम करो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 57 90 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 999 है तो नंबर किसके पास का है, 1000 के पास का है, तो नंबर कितना बनाना पड़ेगा मुझे, 1000 बनाना पड़ेगा, 1000 माइनस का 1। तो बेसिकली यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है 589 है, वही काम करना पड़ेगा, एक नंबर कम करना पड़ेगा, एक नंबर जैसे ही कम करेंगे तो 988 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में पता चला यहाँ पर ये कितना कम है, पता चलता है ये इससे 4 कम, तो आप क्या करेंगे, ये 1000 के पास का नंबर है तो 1000 में से 4 को कम करेंगे तो बचेगा कितना, 996, तो आपका आंसर हो पा रहा है। तो देखिए मेरा यही वादा था, आप देखते ही कर पाएंगे, तो आप देखते ही कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी हो लेकिन इसका पैटर्न समझ लो, यहां पर नंबर किसमें होने चाहिए, ये 999 में होने चाहिए एक बार, और दूसरा जो नंबर यहां लिखा है वही नंबर यहां लिखा होना चाहिए, जिससे कि ये नंबर कैंसिल हो जाते हैं एट द एंड आसानी से। अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसका आंसर क्या होगा इसको समझते हैं। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम मुझे कुछ इस तरह से कर रहा है कि भाई देखो नंबर, जो नंबर यहां था वही नंबर यहां होना चाहिए था तभी आंसर आता, ऐसा तो है नहीं, एक प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात ये प्रॉब्लम है कि यहां पर 4/5 लिखा है और वहां पर 4/5 नहीं होता था, तो दो प्रॉब्लम हो गई। ये क्वेश्चन इससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन पहले समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद में आंसर करेंगे। सपोज कर लो कि आपका नंबर जो यहां लिखा है वही नंबर यहां लिखा है, तो आपका आंसर क्या था, सपोज कर लेते हैं। तो अगर मैंने सपोज कर लिया तो आप बोलोगे कि आंसर तो भाई ऐसे आता कि इससे एक कम करते हैं, 994 करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में ये इससे कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, तो 1000 में से 4 को कम करना पड़ता है, यहां पर 999 है, तो आता 996, बिल्कुल से बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर आता तो ऐसा, लेकिन ये नंबर कैंसिल हो जाते तो वो अभी कैंसिल नहीं हो पाए होंगे, 995 into 199 प्लस का 4/5, तो आपने क्या किया कि इससे इसको कैंसिल किया, तो पता चलता है आपको नीचे कितना आएगा, 5 आएगा। अगर यहां पर 5 आ रहा है और 5 यहां पर भी आ रहा है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट फ्रैक्शन के वीडियो में समझाया था कि डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 5 आ जाएगा, तो आप नीचे 5 रख देंगे, और आपको जोड़ना है तो आपने यहाँ पर जोड़ दिया। जिस वक्त आप जोड़ रहे होंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से बन रहा होगा, 996 में जैसे 4 को जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 1000 इसमें जुड़ेगा तो 995, और ये कितना आ रहा होगा, 000। ठीक है, 995 000। अब आप जैसे 5 से कैंसिल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 × 5 = 45 और ये आ गया 000, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो मैं आपको बोलता हूं कि ये आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। वो तरीका क्या है इसका कि देखिए आप यहां पर जो नंबर देख रहे हैं
वो नंबर क्या चेस्टमेट सॉरी आपको नजर नहीं आया, ये जो नंबर देख रहे हैं 199, इसके आगे आपको उतने जीरो लगाने हैं जितने यहाँ पर नाइन है। कितने नाइन है? तीन नाइन है, थ्री नाइन से। तो आपने क्या लिखा? 199000 आपका आंसर हो गया। तो आप देखते ही कर पा रहे हैं, हम इस चीज को समझेंगे और बहुत करेंगे से। बेसिकली ये क्या है, एक पैटर्न है जिसकी वजह से हम चीजों को कर पा रहे हैं कि एक पैटर्न अगर फॉलो कर रहा होगा तो इसका आंसर हमेशा यही होगा। और एसएससी ने आपसे हमेशा इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा है, आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आता है जो कि पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। देखिए आपका पैटर्न क्या है कि बेसिकली ये 199 जो है इसको जब कैंसिल करता है तो यहां पर क्या आता है? 5 आता है। तो वही नंबर यहां पर आना जरूरी है जो नंबर यहां पर 5 है, तो यहां पर भी आना क्या जरूरी है? 5। एक बार। दूसरी बात ये कि यहां पर आप न्यूमिनेटर देख रहे हैं 4, तो यहां पर भी न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए? इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 4। अगर यहां 4 है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, बस ऐसा होगा तो बस आपका आंसर क्या होगा कि जितना भी नंबर यहां लिखा है 199, इसके आगे उतने जीरो लगा दो जितने नाइन है यहां पर, ट्रिपल नाइन आंसर हो गया। ठीक, देन हम कुछ क्वेश्चंस को और समझने की कोशिश करते हैं इसी पे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने लिखा 99 और यहां पर 95 into 19, ठीक है, ये रहा 94 प्लस का 1/5। ठीक, तो अभी आपसे बोला जाए आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे यहां पर 19 लिखा है, इसके आगे 2 0 आंसर हो गया। लेकिन आंसर क्यों हुआ है इस बात को समझ लो, क्योंकि जब हम 19 से कैंसिल करेंगे 19 5 95, तो नीचे यहां पर 5 आएगा और यहां पर भी क्या आएगा? 5 आएगा। इसका न्यूमिनेटर कितना है? 1 है, तो यहां पर इनका डिफरेंस भी कितना आना चाहिए था? 1। अगर इस पैटर्न को फॉलो करता है तो आपका आंसर हमेशा इस तरह से जाएगा, 19 लिखेंगे आप, यहां पर 2 बार नहीं है तो 2 0 लिख दोगे, आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक इन बातों को। तो टाटा बाय बाय, हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसी तरीके की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और